मैकेनिज्म ऑफ एरे के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एंटी एरिथमिक एक्शन एंटी ड्रग्स कौन कौन सा पाथवे यूज करते हैं अपने एक्शन के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे देखिए ये जो दिए हुए हैं पॉइंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से ही कोई हमें पाथ चूज करना रहता है अपनी ड्रग के एक्शन के लिए ठीक है एक पाथ यूज कर सकती है एक मैके यूज कर सकती है कोई ड्रग या एक से ज़्यादा भी यूज कर सकती है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला टारगेट है वो क्या है जो पहला टारगेट है एंटी एरेथमिक ड्रग एक्शन का वो है डिक्रीजिंग द रेट ऑफ फेज़ फोर फेज़ जीरो डीपोलराइजेशन डिक्रीजिंग द रेट ऑफ फेज जीरो डीपोलराइजेशन जो ये फेज जीरो डीपोलराइजेशन रेट है इसको स्लो करने की कोशिश की जाती है बाई एंटी एरेथमिक ड्रग ठीक है स्लो होगा तो क्या होगा कि ये स्लोप थोड़ा सा कम हो जाएगा कुछ एंटी ड्रग देने के बाद कुछ इस तरीके का स्लोप होगा ठीक है नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द स्लोप ऑफ फेज फोर डीपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन ये है फेज फोर इसका भी स्लोप जो है टारगेट रहता है हमारा कि जो फेज फोर है वो डिपोलराइजेशन का ये स्लोप कम हो जाए होता क्या है कि के केस में ये स्लोप जो होता है ना ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके जिससे कि जो फायरिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाती है और डीपोलराइजेशन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है बार बार होता है जैसे जो अरिद्मिया की कंडीशन हो सकती है नेक्स्ट है हमारा इन जो टारगेट है इनक्रेजिंग द ड्यूरेशन ऑफ ई आर पी ई आर पी टोटल होता है एप्सलूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्ट्री पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड जो एप्सलूट रिफ्रैक्ट्री पीरियड होता है इसका मतलब ये होता है कि वो ड्यूरेशन फेस जीरो से मिडिल ऑफ थ्री इस ड्यूरेशन में सेल किसी भी स्टिमुलेशन के लिए किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती है चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या हल्का हो किसी भी तरीके का स्टिमुलस हो तो सेल उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती उस पीरियड को कहते हैं एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड फेस मिड फेस ऑफ थ्री से एंड ऑफ फेस थ्री में होता है जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है उसमें ही सेल रिस्पॉन्ड करती है जब इसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो होगा क्या तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो शॉर्ट ईआरपी में है जो बार बार स्टिमुलस आते थे उनके प्रति जो हमारी सेल है उतनी संवेदनशील नहीं रहेगी जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होंगे बार बार और अरिदमिया की कंडीशन नहीं उत्पन्न होगी आगे दो पॉइंट है मेकिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको मोर नेगेटिव का मतलब होता है कि नीचे की तरफ इसको करना है होता क्या है कि अरिदमिया की में आपने देखा होगा कि, कि किसी जो उसकी पैथोलॉजी में ये देखते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव हो जाती है अब हमें क्या करना है अपनी ड्रग्स दे के मेडिसन दे के कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मोर नेगेटिव वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है ज़्यादा नेगेटिव करना है मेकिंग थ्रेसोल्ड पोटेंशियल लेस नेगेटिव उसी अरिदमिया के कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो थ्रेश पोटेंशियल है वो हो जाती है मोर नेगेटिव ल उससे होगा क्या कि इन दोनों का गैप हो जाएगा कम और जो भी माइनर स्टिमुलस होंगे गैप कम होने की वजह से बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे इसको ज़्यादा समझने के लिए आप मैकेनिज्म ऑफ एरिदमिया को जरूर देखें जो उसके वीडियो हैं दूसरा क्या करना है स्लोइंग ऑफ इम्पल्स कंडक्शन टू स्टॉप री एंट्री जो री इंट्री सर्किट डेवलप हो जाता है और जो बार बार री एंट्री की वजह से एरिदमिया होती है उसको रोकने के लिए हम कोशिश करें कि जो एम्पल्स कंडक्शन का रेट है वो कम कर दिया जाए जिससे कि री एंट्री की जो कंडीशन है री एंट्री की जो प्रॉब्लम है वो कम अब देख लेते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बेसिकली एंटी एरिथमिक ड्रग्स को चार मेन पार्ट में बांटा गया है जो पहला पार्ट है वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स जो तीसरे ग्रुप में ड्रग्स हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और फोर्थ ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जनरली ये तो हो गया बाई नेम ठीक है आपको ये चीज़ याद भी रखनी है और कुछ बुक्स में ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड या ग्रुप फोर से भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो ग्रुप फर्स्ट की ड्रग्स होती हैं वो होती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो ग्रुप सेकंड की ड्रग्स होती हैं वो होती हैं बीटा ब्लॉकर्स जो ग्रुप थर्ड की ड्रग्स होती हैं वो होती हैं होती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और जो ग्रो फोर्थ की ग्रो ग्रो फोर्थ की जो ड्रग्स होती हैं वो कहलाती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो ये आपको याद रखना है ग्रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में अब बात करते हैं सबसे पहले सोडियम चैनल ब्रॉकरस की सोडियम चैनल ब्रॉकर ड्रग्स अगेन तीन पार्ट में बांटा गया है इनको सब डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में तो आइए देखते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में कम हो जाए ग्रुप फर्स्ट की जो ड्रग्स होती हैं वो सोडियम डिपेंडेंट आप स्ट्रोक को स्लो कर देते हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं देखिए जो क्लास फर्स्ट होती हैं जो क्लास फर्स्ट की ड्रग्स होती हैं उनको फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तीन ग्रुप में बांटा गया है और ये इनका क्लासिफिकेशन उनके एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन पे इफ़ेक्ट के आधार पर किया गया जो ग्रुप ए फर्स्ट ए की मेडिशंस हैं वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ा देती हैं और ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को कम कर देती हैं जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की ड्रग्स होती हैं वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं ठीक है अब जो फर्स्ट ग्रुप की मेडिशंस होती हैं उसमें तीनों आती हैं क्लास फर्स्ट की जो मेडिशंस होती हैं वो स्टीमिक और डीपोलराइज सेल्स में कंडक्शन को स्लो कर देते हैं ठीक है और एबनॉर्मल जो पेस मेकर एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर देता है या स्लो कर देता है तो इस तरीके से देखते हैं कि ये ड्रग्स एबनॉर्मल टिश्यू में ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं बजाय हेल्थी सेल्स के इसीलिए होता क्या है कि जो एबनॉर्मल कंडक्शन होता है या, या री एंट्री की फिनोमिना होती है वो एबनॉर्मल सेल्स में ही होती है और इनका जो काम होता है वो एबनॉर्मल सेल्स में ही होता है आइए देखते हैं कि एक एक करके सारे ग्रुप्स की मेडिसिन को डिस्कस करते हैं और उनके एक्शन को देखते हैं ये ड्रग्स हैं प्रोकैनामाइड एंड एंडाइड देखिए खास बात इन ड्रग्स की ये है कि दीज ड्रग्स अफेक्ट बोथ आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अरिदमियाज आर्ट्रिया में अरिदमिया हो या वेंट्रिकल में अरिदमिया हो दोनों को ये अफेक्ट करती हैं दोनों के ट्रीटमेंट में ये काम आती हैं इनके काम क्या क्या है देखिए दूसरा पॉइंट है दे स्लो कंडक्शन वेलोसिटी इन आर्ट्रिया परकेंज़े फाइबर्स एंड वेंट्रिकुलर सेल्स होता क्या है अरिदमिया में कि जो फायरिंग रेट है जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो फास्ट हो जाती है और इसी को ये कम करती हैं कहाँ कहाँ पे चाहे आर्ट्रिया में हो चाहे परकेज फाइबर्स में हो चाहे वेंट्रिकुलर सेल्स में हो दोनों में बराबर ये अपना इफेक्ट दिखाती हैं स्लो द रेट ऑफ राइज ऑफ फेज जीरो देख रहे हैं ये तो नॉर्मल सेल्स का दिखाया गया कि इस तरीके से राइज ऑफ डीपोलराइजेशन होता है लेकिन जब लास्ट फर्स्ट ए सी ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका इफेक्ट इस तरीके से शो होता है ये क्या शो कर रहा है स्लो द रेट ऑफ राइज ऑफ फेज जीरो डिपोलराइजेशन देखिये स्लो कर दिया तो ये हो गया इस तरीके से नहीं फास्ट होता तो ये सीधा जाता ये फेज जीरो ठीक है ये जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो फर्स्ट एड ड्रग्स के बारे में तो ये एग्जाम्पल आप तीनों लिखेंगे और इस तरीके से एक ग्राफ जरूर बना देंगे जिसमें आप कंपेयर करेंगे कि यह नॉर्मल है और इस तरीके से क्लास फर्स्ट एड ड्रग इस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है जो रेड कलर से यह दिखाया गया इनक्रीजेस द ई आर पी ईआरपी मतलब इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है उसमें से जाके आप अपना डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में एक्शन एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल को भी बढ़ा देता है अब देखिए में क्या असर डालता है और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर एवी कंडक्शन से रिलेटेड कोई अरिदमिया है वहां से फास्ट फायरिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट ए ड्रग की डोज बढ़ाकर एवी कंडक्शन को भी स्लो कर देता है एवी कंडक्शन स्लो करने से क्या होगा कि अरिदमिया को कंट्रोल किया जा सकता है देखिए अब बात करते हैं फर्स्ट बी ड्रग्स की कौन कौन सी ड्रग्स है लीडोकैन एंड टोकेनाइट। ठीक है पहला पॉइंट देखते हैं दीज ड्रग्स हैव नॉमिनल इफेक्ट ऑन फेज जीरो डीपोलराइजेशन फेज जीरो पे इनका बहुत ही नॉमिनल इफेक्ट होता है लेक्टिवली अफेक्ट स्टेमिक और डीपोलराइज परुलर टिश्यू एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन आर्ट्रियल टिश्यू एक चीज याद रखिए जो फर्स्ट बी ड्रग्स है उनका आर्ट्रियम पे आर्ट्रियल टिश्यू पे इफेक्ट बहुत ही कम होता है इसीलिए कभी भी अगर आर्ट्रियल अरिदमिया हो तो ये, ये ड्रग्स वहां पर सक्सेस नहीं होती हैं डिक्रीजेस दर पी एंड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन दोनों को कम कर देता है ठीक है उस तरीके अब आगे बात करते हैं कि क्यू आर एस और क्यूटी इंटरवल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता नो इफेक्ट ऑन क्यू आर एस एंड क्यूटी इंटरवल ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखियेगा और इन्हीं पॉइंट को आप लिख देंगे यू विल गेट होलमार्क विद एग्जाम्पल्स ठीक है दूसरा क्या है? प्रोलोंग द डायस्टोलिक फेज फोर डीपोलराइजेशन जो फेज फोर डीपोलराइजेशन होता है उसको ये बढ़ा देता है देखिए इसमें अगर फर्स्ट बी ड्रग्स के बारे में आपको लिखना हो तो ये डायग्राम आप जरूर बनाए इस तरीके से अब बात करते हैं फर्स्ट सी ड्रग्स की उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये देखिए फ्लैके एंड मोरिशिजिन दीज आर द ड्रग्स ऑफ फर्स्ट सी ड्रग्स राइट अब जो पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है फेज जीरो के लिए क्योंकि इसका मेन जो काम है वो फेज जीरो पे ही है मायोकार्डियल फाइबर्स राइट अब इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन या क्यूटी इंटरवल उस पर कोई भी ये अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं और ये बहुत ही पावरफुल डिप्रेसेंट होते हैं सोडियम करंट के ठीक है इसीलिए जो इनिशिएशन होता, होता है फेज जीरो अच्छा खासा अपना असर दिखाते हैं ध्यान दीजिए दे इंक्रीज द क्यू आर एस ड्यूरेशन इन दीजी ये क्यू आर एस ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं अब बात करते हैं ग्रुप सेकेंड एंटीअमिक्स की उसमें कौन कौन उसमें जो ग्रुप सेकेंड एंटी हैं उसमें होते हैं बीटा ब्लॉकर्स इसमें कौन कौन सी मेडिसन आती हैं हमारी एसी एसीब्यूटोलोल मेटोप्रोलोल और एसमोलोल राइट अब इसका मेन काम होता है जो एवी नोट पे होता है ठीक है एवी नोट से रिलेटेड जो भी एरेडमिया होती हैं उसमें इफेक्टिव होती हैं ग्रुप टू ड्रग्स ठीक है और दूसरा ये क्या करते हैं कि जो पेसमेकर सेल्स होती है उनका फेस फोर डीपोलराइजेशन को डिप्रेस कर देती हैं डिप्रेस कर देती हैं मतलब फास्ट अगेन एंड अगेन फायरिंग जो न्यूरोनल फायरिंग होती है एक्शन पोटेंशियल को उसको रोक देते हैं दूसरा ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को भी बढ़ा देता है ये देखिए ये ग्राफ याद रखिए ये डायग्राम याद रखिए कि इस तरीके से आपको बनाना है कंपैरिजन करते हुए और जो रेड से दिखाया गया ये है क्लास टू ड्रग्स ठीक है इस तरीके से इनका इफेक्ट आता है ये इतना आप अगर लिख देंगे ना तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अपने एग्जाम में अब बात करते हैं ग्रुप थ्री एंटी एरेडमिक्स की जो ग्रुप थ्री ड्रग्स हैं वो होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या मतलब है कि जो रिपोलराइजेशन का फेस होता है रिपोलराइजेशन के फेस में सेल से बाहर रिपोलराइजेशन में सेल से बाहर देखिए रिपोलराइजेशन में सेल से बाहर हमारे पोटेशियम आयंस जाते हैं इनको रोक देता है जिससे कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी रहती और रिपोलराइजेशन रेट स्लो हो जाता है देखिए ठीक उसी तरीके से इसने क्या किया पोटेशियम चैनल को क्लोज किया अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी जिससे कि रिपोलराइजेशन लो हो गया ठीक है रिपोलराइजेशन डिलेड हो गया प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन सीधा सा इसका फंडा है आपको इस ग्राफ में करना ये है कि इसका रिपोलराइजेशन प्रोलोंग करना है दीज आर द ड्रग्स ऑफ ग्रुप थ्री ठीक है ये ब्लॉक करते हैं आउटवर्ड पोटेशियम को बाहर जाने से पोटेशियम आइंस को बाहर जाने से रोक देते हैं जो मेन हॉलमार्क है वो क्या है प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन पोटेशियम ड्यूरेशन जैसे कि आपने इस में देखा ठीक है और इसमें जो मेन है जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है है वो एक्शन पोटेंशियल प्रोलोंगेशन इज कॉस्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ पोटेशियम चैनल ठीक है सीधी सी बात है कि जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो हमारे सेल के अंदर पोटेशियम वाइन्स बचे रह जाएंगे पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी तो इसी वजह से जो प्रो एक्शन पोटेंशियल का ये रेपोलराइजेशन है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है एक्शन पोटेंशियल प्रोलोंग होने से क्या होगा इंक्रीज इन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिड्यूसेस दी एबिलिटी हार्ट टू रिस्पॉन्ड रैपिड टैकी कार्डिया ठीक है इफेक्टिव इससे फायदा क्या होगा कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा और जो अपना हार्ट है जो हार्ट है डिसीज पेशेंट का वो रैपिड टैकी कार्डिया के वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्लास फोर ये हमारा फाइनल जो ग्रुप है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का ये है क्लास फोर जो कि है कैल्शियम एल टाइप चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें दो ड्रग्स हैं वेरा, जो मुख्य ड्रग्स हैं वो हैं वेरापेम और डिल्टियाजेन ठीक है ये एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं एल टाइप का मतलब होता channel, है लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल मायोकार्डियम में ठीक है ये और क्या करते हैं कि जो फेस डीपोलराइजेशन है ऐसे नोड और एवी नोड में उसको उसका रेट कम कर देते हैं मतलब जो फास्ट फास्ट फायरिंग के चांसेस होते हैं उसको ये कम कर देते हैं दूसरा ये कंडक्शन जो होता है एवी नोड के थ्रू उसको स्लो कर देते हैं एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज डिक्रीज एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड पी आर इंटरवल आर इंक्रीज बाई दीज ड्रग्स इन ड्रग्स को आप ईसीजी के साथ भी समझते हुए याद करते हुए चलें तो ज्यादा आपको फायदा होगा देखिए एग्जाम में आप अपना आंसर राइटिंग के वक्त इस तरीके से ये क्लास फोर के जो इफेक्ट शो कर रहा है ये जरूर आप डायग्राम बनाएं ओके दिस इज ऑल अबाउट एंटी एरे ड्रग्स थैंक यू